हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत तरह की बैटरी आती है, जैसे ये स्मार्टफोन का फोन का बैटरी है, कीपैड फोन का, सैमसंग का बैटरी है फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल बैटरी है, और ये लैपटॉप का बैटरी है, और लेड एसिड बैटरी भी आता है, और ये मतलब बड़ा सा बैटरी आता है, और ये बैटरी पैक बनाया जाता है जो कि आजकल ईवी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि ये टेस्ला होता है और टेस्ला का अलग सेल है, मतलब ऐसा ही होता है। और आपको बता दें, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, तो फ्रेंड्स इसमें भी वैसे ही ऐसे ही इसी तरह के बैटरी का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप छोटे मोटे घर पे यूज करने के लिए बैटरी, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हो तो आपको जरूरत पड़ता ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, बहुत सारे भाई लोग रखते हैं बैटरी, लेकिन क्या होता है उनका बैटरी खराब हो जाता है, मतलब अच्छा बैटरी को वो अथु यूज करते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद वो खराब हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि वो इसका प्रोटेक्शन गैप कर चुके होते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्शन देख सकते हैं, ये ऐसा होता है जो बैटरी के ऊपर वाला कैप होता है, उसमें बैटरी का प्रोटेक्शन होता है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो एक बैटरी चार्जर आता है जो कि 1 एम्पियर का होता है, 5 वोल्ट का, और आप इजिली चार्जर लगा सकते हो फोन वाला, अभी तो है नहीं फोन का चार्जर, तो फ्रेंड्स वो मिलता है आपको, इजिली मिल जाएगा, या आपके तरफ ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, उस पर भी कभी वीडियो आएगा हमारे चैनल पे, अभी वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा बैटरी 2 साल पुराना है, और मैंने इसको तोड़े हुए 2 साल हो गया, और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये अच्छे से काम करता है। और इसमें क्या दिक्कत है फ्रेंड्स, कि ये बहुत लोग क्या होता है कि ये बैटरी यूज करते हैं तो ये तोड़ देते हैं, ऊपर वाला तो फ्रेंड्स यही इसका मेन होता है, ये मैनेज करता है, इसके अंदर आईसी लगी होती है क्योंकि बैटरी को प्रोटेक्ट करता है, ज्यादा बैटरी ओवरचार्ज ना हो, बैटरी खराब ना हो, इसीलिए ये ऊपर होता है। और यहाँ पर आपको देखने को, आप अगर चाहे तो इसको घर पे भी बना सकते हो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको मिल जाता होगा, ये मिल जाता है, मतलब आपको, मतलब कोई भी बैटरी में ये होता ही है, मतलब आपको जैसे फोन में से बैटरी बाहर आ जाता होगा आपके फोन में, अब तो स्मार्टफोन में से तो किसी का बैटरी बाहर नहीं आता है, लेकिन पहले कीपैड फोन में ये जियो फोन का है फ्रेंड्स, ये मैंने जुगाड़ लगा के बनाया था इसको ऑन करने के लिए, तो फ्रेंड्स बैटरी जियो फोन का खराब हो जाता है जल्दी, तो इसीलिए मैंने इसको बनाया था और ये बैटरी लगाया था। और फ्रेंड्स ये अच्छा खासा बैकअप दे रहा था, अभी जियो फोन का वो टूट चुका है। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा बैटरी चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको, ये आप अगर ये ऑफलाइन खरीदने जाओ तो ये आपको 200 से 150 रुपए तक का मिलेगा, लेकिन मैं इसको 100 में 4 लाया हूँ फ्रेंड्स, आपको पक्का है कि आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये फ्रेंड्स मैंने खरीदा है। अगर आप मान लीजिए ये आपको ऑनलाइन उतने का मिलेगा, ऑनलाइन का आप देखने जाओगे तो 150 से 200 वहां पे भी यही देखने को मिलेगा, और ये क्या होगा कि थोड़ा नया होगा। और तो इसको लेने के लिए मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको जाना होगा लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप पे, जो कि आपके सिटी में आप रहते होगे तो आपको इजीली मिलेगा, गांव में तो नहीं ही मिलेगा, और छोटे मोटे बाजारों में नहीं मिलेगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे काफी लैपटॉप के शॉप है, बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे दर्जनों के भाव में लैपटॉप का रिपेयरिंग शॉप है। तो फ्रेंड्स मैं वहीं से 100 रुपए में इसको उठा के लाया, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो आपसे 100 रुपए खराब बैटरी का लेंगे, वो खराब बैटरी का करेंगे भी क्या, वो फेंक ही देते होंगे, और नहीं तो अच्छे होंगे तो बैटरी फ्री में भी दे देंगे। और उसमें क्या होता है कि आपको बैटरी तोड़ना है, मतलब अच्छे से तोड़िएगा, एक बैटरी में आपको 6 सेल देखने को मिल जाता है इस तरह का। और फ्रेंड्स ये एक सेल आपको पड़ जाता है 1200 mAh का, जो कि आपके ये फोन है, ये फ्रेंड्स ये फोन का बैटरी है, ये 800 mAh का बैटरी है, और ये एक बैटरी है 1200 mAh का, फ्रेंड्स इससे ज्यादा ताकतवर है और ये कम स्पेस में आ जाता है, थोड़ा ये है कि ये स्लिम है। और फ्रेंड्स बहुत सारे बड़े पहले वो कैमरा वाले फोन चले थे, ट्रेंड में थे फ्रेंड्स, जो कि वो चाइनीज ही बनाते थे, जैसे कि लावा वगैरह, मतलब वो तो इंडियन कंपनी है, वो माइक्रोमैक्स का कैमरा वाला बटन वाला फोन चल रहा था फ्रेंड, तो उसी टाइप का ये तो बिना कैमरा वाला वो सैमसंग का फोन है, तो जिसे सिर्फ कॉल होता है, तो फ्रेंड्स उसी का ये बैटरी है, और इससे आप मैंने बनाया था। तो फ्रेंड्स ये बैटरी आपको वहां पे इजिली मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको खोलते समय बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली ग्लू से चिपकाया हुआ होता है, और क्या होगा कि अगर आप ज्यादा उस पर जोर जबरदस्ती करेंगे तो फ्रेंड्स ये बैटरी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, अगर यहाँ पे कहीं से भी पंचर हो गया तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है।
आपके लिए। तो फ्रेंड्स आप देखे ध्यान से खोले, यहाँ पे कोई कट वट ना लगे बैटरी पे, बैटरी से दूर रख मतलब घर से दूर होके खोले, नहीं तो आग लग सकता है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको, आपको पता नहीं हो तो इसलिए बता दिया मैंने, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है फ्रेंड आपके लिए। तो मैंने इसको खोला, और पहले खोलने के लिए फ्रेंड्स शार्प ऑब्जेक्ट का यूज ना करें जैसे चाकू वगैरह का, और खोलना हो तो आप मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट का तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन उतना मतलब मतलब एग्रेसिव वे में मत करिएगा, आराम आराम से खोलिएगा, नहीं तो बैटरी पंचर हो जाएगा तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो सकता है। और ये फ्रेंड्स देखने में ट्रिपल ए बैटरी की तरह होता है, और ये रिचार्जेबल बैटरी है फ्रेंड्स, जैसे ही आपको, लेकिन इसको आप डायरेक्ट, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट यहाँ पर तार लगाएंगे प्लस माइनस, और मतलब और एक चार्जर होता है जो कि आपको दिखा रहे हैं कैसा चार्जर होंगे फ्रेंड, देखिए इस तरह का केबल लेंगे, और ये मान लीजिए अब तो ऐसा ही आता है, मैंने इसको फोन बनाया है, मैंने इसका वीडियो दे दिया फ्रेंड्स, अगर आपको बनाना हो जियो फोन तो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ से दो तार निकल रहा है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये टाटा केबल है, चार है, यहाँ पे ग्रीन व्हाइट और रेड ब्लैक है, तो मैंने, मुझे पता था कि इसमें से दो ही तार निकलते हैं जो कि पावर के लिए होते हैं, जो कि इधर का लेफ्ट साइड मतलब ये यूएसबी है, इधर का लेफ्ट साइड और इधर का राइट साइड। फ्रेंड्स बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इधर सिंपली ऐसे लगाया इस चार्जर में, और यहाँ पर इसका रेड का इधर प्लस और इधर माइनस, तो फ्रेंड्स ऐसे ही चार्ज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उससे क्या होता है कि बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है, लेकिन और क्या होता है कि अगर आप इसको, इसको बैटरी का वोल्टेज कम चाहिए होता है, ज्यादा मिलने लगता है फ्रेंड्स, बैटरी तो चार्ज होगा लेकिन हीट होगा, और हीट होने से इसका लाइफ स्पेन कम हो जाता है, खराब हो जाता है, इवन फूल जाता है, नहीं तो बहुत सारे केस में फट भी जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन उतना ज्यादा होता नहीं है क्योंकि बैटरी उतना अथुर होता नहीं, मतलब जल्दी फटता नहीं है, लेकिन पंचर हो जाएगा तो फट जाएगा फ्रेंड्स, फूलने का ज्यादा टेंशन होता है, और फूलता है तो ज्यादातर उम्मीद होता है कि फटेगा। तो फ्रेंड्स वैसे आप वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आता है उसको लगा के आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो मतलब मिल जाता है 20 से 25 रुपए के, आपको इजीली मिल जाएगा आपके स्टोर में, दिल्ली में अगर रहते होंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा, वहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम में पड़ जाता है वो आपको, और वो चार्जिंग मॉड्यूल उसको बोला जाता है, और उससे बैटरी ये सब आप चार्ज कर सकते हैं, और इसमें बैटरी का कोई मतलब इफेक्ट खराब नहीं होगा, बैटरी अच्छे से बैकअप देगा फ्रेंड्स, उसमें ओवर चार्ज होने का भी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारी आईसी लगी हुई होती है, उससे कोई डैमेज भी नहीं होगा फ्रेंड्स। आजकल क्या चल रहा है कि अब इसी बैटरी का यूज करके जैसे सीरीज में लगा लिया, और सीरीज में लगा के जैसे यही मान लीजिए ये एक बैटरी फ्रेंड्स 3.4 वोल्ट का है, मतलब 4.5 वोल्ट का है, और मान लीजिए ऐसे ही लगा के आप तीन बैटरी लगा लिए तो 12 वोल्ट का बैटरी आप बना सकते हो। अब घर पे भी ऐसे बैटरी को, मान लीजिए आपके घर पे यूपीएस है और उसका बैटरी डेड हो चुका है, तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही तीन चार इन्वर्टर का बैटरी खरीद के, मतलब जितना एम्पियर का बनाना हो वो आप देख लेना, उसमें भी आप बोलोगे तो वीडियो आ जाएगी फ्रेंड्स, उसको ऐसे कनेक्ट करके आप वीडियो मतलब इन्वर्टर बना सकते हो, और मतलब इन्वर्टर वही यूपीएस इन्वर्टर वाला बैटरी, क्या बोलते हैं कंप्यूटर वाला बैटरी, उसमें लगा सकते हो फ्रेंड्स, वो इजीली हो जाएगा। बाइक आजकल तो ईवी में भी यही वाला बैटरी यूज किया जाता है, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा होता है फ्रेंड्स, और वहाँ पे चार्ज करने के लिए वहाँ बैटरी डैमेज ना हो, वहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज होता है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली देखने को मिल जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएमएस बोला जाता है, बैटरी मैनेजमेंट, बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और वो एम्पियर के हिसाब से आता है, अगर आपको पता हो तो आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स और लीड एसिड बैटरी में मतलब उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है, लीड एसिड बैटरी है तो आपको मतलब इसमें 5 वोल्ट उसको चाहिए तो आप इधर से 5 वोल्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लीड एसिड फूलने वाला बैटरी नहीं होता है, जल्दी फूलता नहीं है वो, और वो ज्यादा उतना डेंजरस नहीं होता है। ये लिथियम आयन बैटरी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये भी लिथियम आयन, ये लिथियम पॉलीमर है शायद फ्रेंड्स, ये लिथियम आयन है, ये लिथियम शायद पॉलीमर है, आयन भी में आता है, और बैटरी में पावर बैंक में ज्यादा, पावर बैंक में भी आप ज्यादा देखोगे तो यही वाली बैटरी यूज हुई होती है, क्योंकि इसका कम स्पेस में ज्यादा एमएच का पावर, यहीं पे आपको देखिए 1200 एमएच का यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 2400 एमएच का मतलब मिल गया, जो 2400 एमएच जितना भी एमएच का हो गया मतलब मिल गया आपको, और आप ऐसे ही बना सकते हो फ्रेंड्स बैटरी। और ये आप क्या करते होंगे कि आप वैसे चार्ज करते होंगे तो क्या होता होगा कि आपका बैटरी खराब हो जाता होगा, आप जल्दी फेंक देते होंगे, फिर से खरीद कर लाते होंगे,
और तो इसीलिए फ्रेंड्स आप BMS का यूज किया कीजिए, आपका बैटरी का लास्टिंग बहुत ज्यादा होगा और पंचर ना हो फ्रेंड्स। आप इसमें यही ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स, सेफ्टी में यही है कि आप उल्टा मत लगाइएगा, उल्टा लगाने से इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन आप बस मतलब हीट होगा, तार को गला देगा या फिर मतलब से चिपक जाएगा, और ज्यादा होगा तो लो हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ ऐसे नहीं होगा। लेकिन इसमें फ्रेंड्स यही डेंजर होता है कि अगर गिर गया, ये पंचर हो गया, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और लीड एसिड बैटरी जैसी, जैसे कि वो ट्रैक्टर का बैटरी या फिर UPS का पहले वाला जो बैटरी होता है, बाइक का बैटरी फ्रेंड्स, वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन उसमें उसका भी फ्रेंड्स अगर रिपेयरिंग आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ उसका क्या होता है कि बहुत सारे लोग को उसका सेल्स मतलब उसमें पानी डाला जाता है फ्रेंड, तो क्या होता है सूख जाता है, तो सेल काम मतलब बैटरी का बैकअप कम हो जाता है, या तो बहुत चीज होता है फ्रेंड्स, उससे बैटरी चलना बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स सबको लगता है कि बैटरी खराब हो गया, वो बेच देते हैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना होता है, उसको सिंपली ऐसे खोलना होता है। UPS का बैटरी इतना ब्लैक कलर का होता है, और ऐसे ऊपर वाला उसका जो इधर वो दो टर्मिनल होते हैं, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर का, एक प्लस एक माइनस का होता है फ्रेंड्स। उसको आपको इधर देखिएगा तो एक छोटा सा काला कलर का ऊपर जो ढक्कन होता है वहां पे खोलने का ऑप्शन दिया, मतलब जगह दिया होता है, वहां पे आप पेचकस लगा के आराम से ऊपर मुंह करके खोल सकते हैं, और उसमें रबड़ कैप लगे हुए होते हैं, वहां पे आप बैटरी में पानी डाल सकते हैं, और फ्रेंड्स आपका बैटरी अच्छे से बैकअप देने लगेगा, कुछ तो ज्यादा देने ही लगेगा, और खराब हुआ होगा तो चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स बाइक का बैटरी है तो उसमें भी वही सेम आप कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, और इन्वर्टर की बैटरी में बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि वो खरीद के पानी लाते हैं फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना है, वो पैसे का वेस्ट है, आप क्या करिएगा, RO होगा आपके यहाँ, वो पानी डाल दीजिएगा, सबसे अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर वो नहीं होगा तो आप साफ नल का पानी डाल दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप वो बैटरी लाइएगा तो वो क्या होता है कि फ्रेंड्स वो मिनरल वाटर ही होता है, लेकिन वो बेचने का तरीका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।